बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेरी सिंपल आइडिया आपको देने लगा हूँ। आपको निश रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही है, खुसूसन एडसन के लिए, अजोइक के लिए, यानी एड नेटवर्क के लिए। यहाँ पे आपने आना। इसमें हम दो टूल यूज़ करेंगे और एक टूल बिल्कुल फ्री है, चैट जीपीटी। बिल्कुल जिसको आइडिया नहीं है कि मैंने किस निश में जाना है ब्लॉगिंग के अंदर, और दूसरा के मतलब फ्री टूल तो नहीं है, पेड टूल है, लेकिन आपको चीप प्राइस में मिल जाता है। वो भी मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपने आना है और आपने सिंपल लिखना है राइट सम गूगल। अगर एडसन के लिए कर रहे हैं गूगल एडसन, एडसन निशेस, ठीक है, फॉर माय ब्लॉग, ये आपने लिखना है, या राइट सम बेनिफिशियल लिख दें आप, ठीक है, बेनिफिशियल के जो आपके लिए सूदमंद हो। गूगल एडसन निशेस फॉर माय ब्लॉग, यहाँ पे आपने सर्च करना है पहला स्टेप। अब यहाँ पे देखें आपके सामने मुख्तलिफ दे रहे हैं। अब ये वो चीज़ थी जो आपको पता ही नहीं है कि मैंने किस में जाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले दे रहा है पेट केयर एंड ट्रेनिंग। अब पेट केयर जो है, यहाँ से आपने थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। पेट होते हैं पालतू जानवर, अभी पेट के अंदर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आ सकते हैं अगर आपको समझ ना आए, कि यहाँ पर लिखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप्स ऑफ पेट्स, ठीक है ना। एक आपको थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूँ, मुझे तो डायरेक्ट पता है कि मैंने क्या करना। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है डॉग्स, ठीक है, कैट्स, बर्ड्स, फिशेस, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पेट्स भी अभी बाहर रखे जाते हैं। ये हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें, यानी कि जो इंग्लिश कंट्रीज हैं, ठीक है। स्मॉल पेट्स किसी भी कंट्री के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ले रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे आ रहा है डॉग्स, ठीक है, पहले स्टेप में इसने हमें मोटा सा अंदाज़ा दिया कि ये है। दूसरे में मैंने यहाँ पे कहा कि यार पेट केयर से मुराद क्या है, हमें मुझे टाइप्स ऑफ पेट्स बताओ। अब यहाँ पे इसने बताया पेट्स ये हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने आना है यहाँ से, आपने बाय कर लेना किसी भी ग्रुप बाइंग के अंदर। सैमरश आपको अगर हमसे चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें, टीम आपको एक्टिव कर देगी सिर्फ 500 में आपको मल्टी यहाँ पे अकाउंट दिए जाते हैं कि एक काम ना करे दूसरा ज़रूर करेगा, 99% काम करता है, क्योंकि लोग अशरफ नहीं अफोर्ड करते तो हम इसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं ताकि बंदों को परेशानी ना हो। और एक आपको फ्री टूल भी साथ जो है ना वो देते हैं, सिर्फ 500 के अंदर आपको ये मिलता है 1 मंथ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने आना है और आपने अपना अकाउंट जो है वो ओपन करना है सैमरश का, ठीक है। ये किस तरह करना है, ये आपने जैसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो गाइड करेंगे किस तरीके से आपको हम इसकी एक्सेस देते हैं, ये इस वेबसाइट की, और यहाँ पर आपका अकाउंट किस तरीके से बनता है। अब आपने यहाँ पर सैमरश को ओके करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें एक सैमरश है, दूसरा भी ओपन कर सकते हैं साथ ही, जो जल्दी वर्क करेगा उसको हम यहाँ पे जो है ना वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे ओपन हो गया, अब ये दूसरा भी हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, दोनों में से देख लेंगे कि कौन सा जल्दी वर्क करे। ये मुझे लग रहा है कुछ जल्दी है। अब सिर्फ आपने सैमरश के ऊपर आना है और लेफ्ट साइड पे आपने आना है कीवर्ड मैजिक टूल में, ये ध्यान से देख लें, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब जब आप यहाँ पर आएंगे, ये इन चीज़ों का ध्यान नहीं देना होता, ये सिर्फ जो है ना वो हमने इस तरह का यूज़ किया होता है सैमरश को क्रैक बैक एंड से, जिस वजह से ये आ रहे होते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे आपने आके अपनी मेन निश डालनी है, फॉर एग्जांपल डॉग, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इस तरीके से डिफरेंट लेवल पे काम कर सकते हैं। अगर जिनको पहले ही आइडिया है वो और मज़ीद अपने हिसाब से सीधा आके यहाँ पे मेन अपनी निश डाल देंगे। अगर चैट जीपीटी को भी आपने यूज़ नहीं करना, लेकिन यहाँ पर अगर आपको आइडिया ना आ रहा हो किसी निश के अंदर, आइडिया ना आ रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रैवलिंग में जाना चाहते हैं, तो ट्रैवलिंग के अंदर आपने जो निश माइक्रो निकालनी है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट फॉर आइडिया है। अब यहाँ पर आपने आना है इधर, और इस जगह पे आपने जब आना है तो इधर आपने कुछ फिल्टर लगाने इंक्लूड में, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ गूगल एडसन के लिए, ठीक है, अभी इस वीडियो में एफिलिएट की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आपने इंक्लूड में आना है, और मैंने यहाँ पे कुछ बना के रखे थे। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इधर यहाँ पे टाइप में अभी हैं कि नहीं, ठीक है, और अच्छा इधर नहीं है कुछ। आपने ना यहाँ पे कीवर्ड डालने हैं, ठीक है, मैं आपके लिए लिख लेता हूँ ताकि आपको पता हो कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने डालना है हाउ इंटर करें, ठीक है, व्हाट इंटर करें, ठीक है, वेयर इंटर करें, इसके अलावा आप कैन इंटर करें, क्वेश्चन जो आपके होते हैं स्टार्ट में जिनके क्वेश्चन आता है एम, ठीक है, आर, ठीक है, ये आप, और वेयर वगैरह और कोई कहो तो वो डाल के आपने यहाँ पे याद रखना है। अगर आप आल कई वर्ड कर देंगे तो फिर यहाँ पे रिजल्ट नहीं देगा, आपने करना है एनी कीवर्ड, यानी कि ये एक वर्ड किसी भी हवाले से किसी भी सेंटेंस में आ रहे हो वो हमें दिखाए। आपने यहाँ से अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, पहला स्टेप। ये सेकेंड लास्ट स्टेप है, बस इतनी वीडियो कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको निश रिसर्च मैंने आपको गाइड की कि निश में कैसे जाना है आपने,
ब्रॉड निश निकाली, साथ ही आपको कीवर्ड रिसर्च बता रहा। अब यहाँ पे आपने देखना है, अभी ठहरना है, परेशान नहीं होना कि यहाँ पे आपको 1.8 मिलियन कीवर्ड मिल रहे हैं और यहाँ पे देखें कीवर्ड किस लेवल के आपको मिल रहे हैं। अभी बिल्कुल आपने कम लेवल पे जाना है, बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल आपको किसी चीज़ का नहीं पता, तो आप यहाँ पे आएँ की केडी के अंदर और यहाँ पे आके वेरी इजी के ऊपर भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो बेहतर है वेरी इजी के ऊपर आप चले जाएं। वरना अगर आप निश देख लें, अगर ज़्यादा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आप केडी 0-0 भी कर सकते हैं, मतलब मज़ीद। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको 5.9 जो है ना यहाँ पे आपको 1000 कीवर्ड मिल रहे हैं इसके अंदर। अब ज़रा कीवर्ड का अंदाज़ा लगाएं कि कितने कीवर्ड हैं। अब इनका आगे आप सर्च वॉल्यूम ज़रा चेक करें, केडी भी चेक कर लें कितनी आ रही है, और यहाँ पे आप जो है इसका सर्च वॉल्यूम भी चेक कर लें कितना आ रहा है। अब देखें निश भी कोई इतनी ज़्यादा कोई डीप निश नहीं है, कॉमन सी निश है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये देखें आपका कीवर्ड रिसर्च भी होगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पहले पेज के ऊपर 100 कीवर्ड आते हैं। अब 100 कीवर्ड के ऊपर अगर आप आए ना, एंड के ऊपर भी आप आए यहाँ पे, तो आप देखें कि यहाँ पे आपका सर्च वॉल्यूम 320 सेमरच दे रहा है। इनका सर्च वॉल्यूम वैसे ज़्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली आपको देते हैं टूल। तो आप यहाँ पे देखें आप कितने ज़बरदस्त जो है ना यहाँ पे आपने कीवर्ड जो है वो मालूम कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे देखें केडी आपके पास कम भी आ रही है, किसी की जीरो आ रही है किसी के यहाँ पे, और आपकी यहाँ पे की केडी जो है ना वो कम भी है। अगर आप यहाँ पे और कम करना चाहें, इसने दिया हुआ है वेरी इजी में यहाँ पे 0 से 14, अगर आप यहाँ पे 0 से 10 भी करना चाहेंगे तब भी कर लेंगे, अगर आप यहाँ से 0-0 वाले भी निकालना चाहेंगे तो वो भी आप यहाँ पे कीवर्ड निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंक्लूड के अंदर आपने याद रखना है कि एनी कीवर्ड करेंगे तो ये आएगा। तो देखें कि पहले के अंदर मैंने आपको चैट जीपीटी से निश का भी आइडिया दे दिया, ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च का भी आइडिया दे दिया कि आप जीरो के डी, अब देखें ये सारे 10 KD से कम वाले या 10 KD वाले, और वो भी अभी 2800 कीवर्ड हैं। अब यहाँ पे आपने मजीद अगर फिल्टर लगाना, अब देखें बहुत सारे अगर यहाँ पे आपके ये भी कीवर्ड हैं तो ये भी 200 है। अगर आप यहाँ पे 200 सर्च वॉल्यूम का भी लगा देंगे तो फिर भी आपके पास मजीद कम कीवर्ड जो है ना यहाँ पे 100 के करीब आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम मैक्सिमम जो है ना वो हमारे पास 200 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपके पास 200 के अंडर अंडर कीवर्ड आ जाएंगे। अभी भी आपके पास 2700 जो है ना इसके कीवर्ड हैं। तो इस तरीके से आप अपना निश रिसर्च भी कर सकते हैं और कीवर्ड रिसर्च करके बिस्मिल्लाह करके आप जो है अपना ब्लॉग बआसानी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आप अपना अजोइक से आपने मोनेटाइजेशन लेनी हो या आपने लेनी हो गूगल एडसन से, दोनों की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि किस तरीके से आप उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं। और आपने अगर मेरी ब्लॉगिंग जर्नी आपने पूरी ब्लॉगिंग ही नहीं जानते तो मैंने नीचे प्लेलिस्ट के अंदर इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि आपने गूगल की फुल प्लेलिस्ट मेरी ब्लॉगिंग की देख लेनी है। 96 जो है ना उसकी वीडियोज़ हैं और बिल्कुल पेड कोर्स से भी हाई लेवल का एक्सपीरियंस मैंने अपना वहाँ पे शेयर किया हुआ है। वो देखने से आप कैनवा में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे और निश रिसर्च यानी SEO और कीवर्ड रिसर्च SEO के अंदर भी और कॉन्टेंट राइटिंग में भी एफिलिएट में भी आप अच्छा खासा जो है ना, और एडसन के अंदर भी आप सिर्फ अलहदा फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं वो देख के, और आप अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करके अपनी रिकरिंग और पार्ट टाइम या फुल टाइम अपनी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।